मातृ गौरव यूट्यूब परिवार को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी यह स्वतंत्रता हमेशा अक्षुण बनी रहे। आज हम बात करेंगे फिल्म एक्सीडेंट और कॉन्स्पिरेसी गोधरा की। भारत माता की जय। भारत माता की जय। 100 करोड़ से भी अधिक लोग यही इंतजार कर रहे हैं कि एक न एक दिन सच जरूर बाहर आएगा। वर्ष 2002 में गुजरात के गोधरा स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के 2 डिब्बों को देश तथा संस्कृति से नफरत करने वाली मानसिकता के लोगों ने आग लगाकर 59 लोगों को जिंदा जला दिया गया था। इस घटना से पूरा देश तप्त हो गया था। यह फिल्म उसी घटना पर आधारित है। इस फिल्म की कहानी को 3 भागों में सिनेमा के पर्दे पर बताया गया है। फिल्म में जहां एक और गोधरा कांड को दिखाया गया है, तो वहीं दूसरी ओर घटना के बाद सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम में बहस को दिखाया गया है, जबकि तीसरे भाग में एक कॉलेज के विद्यार्थी के किरदार को बताया है जो इस कांड पर रिसर्च कर रहा है। प्रशासन सिर्फ एक, यह फिल्म दर्शकों द्वारा काफी पसंद की जा रही है क्योंकि इसमें सच और झूठ के बीच का फर्क दिखाया गया है। यदि फिल्म के किरदारों की बात करें तो रवि शौरी, मनोज जोशी, नीतू कनोडिया, डेनिशा घुमरा और कई सितारों ने दर्शकों का दिल जीत लिया है। इमोशन से भरी इस फिल्म की बात करें तो डायरेक्टर एन के शिवाक्ष ने गोधरा कांड से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात को दिखाने की भरपूर कोशिश की है। इसमें गायक कैलाश खेर का गीत मंगलम दर्शकों को काफी पसंद आया। फिल्म का पहला भाग थोड़ा धीमा प्रतीत होता है, लेकिन बाद में फिल्म इस कदर गति पकड़ती है कि दर्शकों को अंत तक बांधे रखती है। कहते हैं ना कि सच हमेशा सामने होता है, बस हम उसे देख नहीं पाते। निर्माता बीके पुरी की फिल्म एक्सीडेंट और कॉन्स्पिरेसी गोधरा को दर्शकों द्वारा काफी सराहा जा रहा है। जुलाई में रिलीज हुई यह एक अच्छी फिल्म कही जा सकती है, जिसमें कमीशन द्वारा सभी को बारीकी से सुनते बताया गया है। अब ये गोधरा फिल्म आई है, एक प्रीमियर शो रखा गया, क्या कहेंगे? देखिए, गोधरा जो फिल्म है मैंने खुद देखी, और गोधरा बनने के पहले जिस तरह के भारत में विरोधी पार्टियां जिस तरह की तरह तरह की बात, अफवाह, आरोप प्रत्यारोप करती थी, ये फिल्म उनके मुंह पर तमाचा है कि गोधरा के पीछे की सच्चाई क्या है। गोधरा में जो 59 लोगों को जिंदा जला दिया गया था, जिसमें 22 महिलाएं, 27 पुरुष और 11 बच्चे थे, उन छोटे छोटे बच्चों की निर्मम हत्या की गई थी, जलाकर हत्या की गई थी। ये बहुत ही विभत्स घटना हुई थी, और उसकी सच्चाई किस तरह से, वो एक तरह का मानवीय षड्यंत्र था एक खास समाज के द्वारा, और वो षड्यंत्र करके उस घटना को अंजाम दिया गया था। इसका अर्थ ये होता है कि एक तरह के लोग हिंदू समाज के साथ कितनी बेरहमी से, आज उनकी सोच थी उस वक्त और आज भी है, क्योंकि ये जो पहले गोधरा में गोधरा कांड हुआ, कार सेवकों की हत्याएं हुई, जलाकर हुई, ये इस फिल्म में जो गोधरा कांड हुआ था उसकी जो सत्य घटनाएं थी उसका कलेक्शन किया गया है, और बरसों तक इसकी जांच चली गई, उसके बाद में आरोपियों को सजा भी हुई, लेकिन क्या भारत जैसे देश में ऐसी दृश्य से घटनाएं होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और आज हिंदुस्तान का हिंदू समाज ही नहीं, भारतीय प्रत्येक व्यक्ति भी ये बिल्कुल नहीं चाहेगा, जो सच्चा देशभक्त है, जो मानवतावादी है, कि जिस तरह से मानवीय लोगों की निर्ममता से हत्या की गई थी, क्रूरता से हत्या की गई थी, ये बहुत बड़ा जघन्य अपराध था। और ऐसी घटना, इस फिल्म के निर्माता, कास्टिंग डायरेक्टर, मैं जिन उनके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं विजय पुरोहित जी, जो इस फिल्म के निर्माता हैं, मैं उनको हृदय की अथाह गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करूंगा कि उन्होंने इतना बड़ा हिम्मत जुटाया कि ये फिल्म बनाने का, और उन्होंने बड़ी ही
बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही सटीक और विश्लेषण ढंग से सच्चाई को देश की 140 करोड़ जनता के साथ और पूरे दुनिया के सामने लाया है कि किस तरह से हिंदुओं के साथ बर्बरता हुई। और मैं तो ये कहूंगा कि बांग्लादेश की घटना भी जो घटी है, जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, माँ बहन बेटियों के साथ इज्जत लूटी जा रही है, मंदिर जलाए जा रहे हैं, भगवान की मूर्तियां को जलाया जा रहा है, आज भी हिंदुओं पे यह सतत अन्याय और अत्याचार जारी है। और मैं तो ये कहूंगा गोधरा पूरे देश की जनता ने देखना चाहिए, हिंदुओं पर हुए अन्याय और अत्याचार से हमें सीख लेनी चाहिए। और आज भी हमारे आंख के सामने जो लोग ये कहते थे कि गोधरा हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, कश्मीर में क्या हुआ होगा क्या नहीं हुआ होगा, अरे आप बांग्लादेश देख लो, बांग्लादेश जल रहा है, हिंदुओं जलाए जा रहे हैं, हिंदू मारे जा रहे हैं, हिंदू माँ बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, मंदिर जलाए जा रहे हैं, अगर इसके बाद भी हिंदू समाज की और मानवतावादियों की आंखें नहीं खुलती है तो फिर उनको जीने का हक नहीं है, मैं ऐसा कहता हूं। और मैं चाहूंगा कि प्रत्येक हिंदू को ये फिल्म देखना चाहिए और हिंदुत्व को और हिंदुओं को सजग सावधान रहने की आवश्यकता है।